हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीए पार्ट फाइनल के विद्यार्थियों का आज एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का, नॉन कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था तो मैं उसको सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, मैंने उत्तरमाला इसकी पहले ही तैयार कर ली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था? पहले क्वेश्चन में दो दो नंबर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि राजा बनाने वाले के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है, आपके सामने डायरेक्ट दिख रहा होगा, आंसर ए है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, यानी राजा बनाने वाले के नाम से अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कि शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा, मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको, शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत का जनक मेकाले था। यानी ये जो सिद्धांत दिया गया था उसके जनक मेकाले थे, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली दो भारतीय महिलाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ये है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, अवंतीबाई, और बहुत सारे नाम है जैसे जीनत महल, बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन यहाँ तो दो का नाम ही पूछा था, तो दो का नाम आपने बता दिया होगा आशा करता हूँ। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन दे रखा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया। बंगाल का विभाजन ये भी बिल्कुल ईजी आया था, 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया कि ये घोषणा की जाएगी, यानी बंगाल विभाजन किया जाएगा, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभाव में आया। यदि आप दोनों में से एक तारीख भी करके आते हो ना, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन, लाल बाल पाल कौन थे। यानी इसमें है ना, जो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये है ना जो तीन व्यक्तियों का नाम इनमें से निकलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दे रखा, लाल का मतलब लाल लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये तीन नाम इसमें निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स, धन निष्कासन सिद्धांत इसमें परिभाषित किया गया है, दादाभाई नेहरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठे का राइट आंसर दादाभाई नेहरोजी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दो क्वेश्चन हो गए, स्थापना किसने की और अध्यक्ष कौन थे। तो स्थापना तो ए हो ह्यूम ने की थी और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। यानी धन निष्कासन सिद्धांत दादाभाई नेहरू जी ने बताया था, और इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आप आसान भाषा में भी लिख सकते हो कि भारत से जो धन इंग्लैंड गया था उसको ही, उस प्रक्रिया को धन निष्कासन सिद्धांत कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे, भारत का वह राजस्व जो बिना किसी प्रतिफल के, यानी भारत के जो किसान थे उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलता था, के इंग्लैंड जाता रहा। यह प्रक्रिया 1757 से, यानी 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, इस समय राजनीतिक स्थिति अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी बंगाल की, तो वहाँ से इन्होंने शोषण करना स्टार्ट किया और 1947 तक यह शोषण चलता रहा, बहुत धन बाहर इन्होंने निकाल दिया। नवा कम्युनल अवार्ड क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ये है, देखो कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को लाया। इसमें दलितों को भी मुस्लिम, सिख आदि की तरह पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। ठीक है, आसपास भी लिख के आए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज से आप क्या आशय है। यानी आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताना था। कई जो स्टूडेंट है वो ये करके आए होंगे, कई फ्रेंड्स ये करके आए होंगे कि
इसकी जो स्थापना है ना, जो सुभाष चंद्र बोस ने की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। राष्ट्र प्यारी बोस पहले ही वहाँ पर थे, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र प्यारी बोस ने जापान में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए स्थापना की गई थी। आगे चलकर इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनको जर्मनी से बुलाया गया था, सुभाष चंद्र वो राष्ट्र प्यारी बोस बुढ़े हो गए थे, अब इसका नेतृत्व करने के लिए ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो इसमें जान डाल सके, इसलिए सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व किया। फिर इसका झंडा ही इन्होंने तैयार किया, जो इसका गान होता है राष्ट्रगान वो भी इन्होंने तैयार किया, और इसका नाम भी बदल दिया था इसने इन्होंने, तो स्थापना नहीं की थी, नेतृत्व जरूर किया था इसने। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था हमारे सामने, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन था मराठों के पतन के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों को संक्षेप में बताइए। तो फ्रेंड्स 4 कारण मैंने लिख रखे हैं। मराठों में एकता का अभाव था, यानी भारतीयों में हमेशा से फूट क्यों रही, अंग्रेज हमारे जो भारत में 200 वर्षों तक यहाँ पर रुक गए और शोषण किया बुरी तरीके से, तो क्यों किया, क्योंकि हमारे अंदर कमी थी, एकता का अभाव था। ठीक है, तो मराठों में एकता का अभाव था। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था थी, किसी भी राजा के लिए जब वो हारता है तो उसकी जो सैन्य व्यवस्था है ना वो ख़राब होती है, इसलिए हारता है। मराठा सेना में अनुशासन व संगठन का अभाव था, यानी एकता अनुशासन संगठन नहीं था। ठीक है, योग्य नेतृत्व का अभाव था, यानी नेतृत्व करने वाला कोई मजबूत नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन क्या था। अलीगढ़ आंदोलन फ्रेंड्स, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। यह एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है जो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधार के उद्देश्य से चलाया गया, यानी मुसलमानों में धार्मिक सुधार के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, मुंडा विद्रोह है, यानी इसे बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित रहा, छोटा नागपुर झारखंड में है। इसे मुंडा उल गुल्लान भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति में सबसे पहले हुई। ठीक है, तो फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है उदारवादियों की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। उदारवादियों का मतलब फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन चला उसमें 2 गुटों बट गए थे, उग्रवादियों की विचारधारा और यानी उग्रवादी दल और उदारवादी दल, 2 दलों में बट गए थे। तो उदारवादी दल का मतलब ये है कि उदारवादी दल में जो शामिल थे नेता, वो भारत में भारत को स्वतंत्र, ये जो प्रार्थना पत्र होता है, धरना प्रदर्शन होता है, उनके द्वारा अंग्रेजों को झुकाना चाहते थे। इसमें महात्मा गांधी एक प्रमुख थे जो अहिंसा का मार्ग चुनते थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि उग्रवादी विचारधारा में आप देखोगे कि जो नेता उसमें शामिल होते थे, वो नेता है ना जो कोई भी परिवर्तन लाना चाहते थे तो हथियार के बल पर लाना चाहते थे, क्रांति के बल पर लाना चाहते थे। तो उदारवादी है ना जो प्रार्थना पत्र, धरना प्रदर्शन, इनके द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद में स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो आंसर है पाँचवा आंसर है स्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। इसमें किसानों के पास में कर वसूल लेने के लिए अंग्रेजों और बंगाल के जमींदारों के बीच में एक समझौता था, यानी अंग्रेज और जमींदारों ने, जमींदारों को यहाँ पर फायदा था, यानी अंग्रेज अब सीधा है ना जो इस कानून द्वारा किसानों से कर वसूलेंगे नहीं, जमींदार वसूलेंगे। जमींदार इतना शोषण करते थे किसानों का कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे और अंग्रेजों के पास में भी प्रॉफिट अपना बटा लेते थे, और किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स इसके 4 कारण हैं, क्यों राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ, इस कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन का उदय, यानी पाश्चात्य शिक्षा का मतलब यूरोप की शिक्षा भारत में आ चुकी थी, और चिंतन यानी लोग सोचने लग गए थे अलग अलग तरीके से, और तीसरा है फ्रेश
तथा समाचार पत्रों की भूमिका यानी प्रेस और समाचार पत्रों के द्वारा इतने समाचार पत्र प्रकाशित किए जिससे अंग्रेजों की पोल खोल कर रख दी। यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव भी पड़ा यानी यूरोप में जो आंदोलन चल रहे थे उनका प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका है लास्ट क्वेश्चन, पंचशीलता का सिद्धांत क्या था, क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने दूसरे देश पाकिस्तान से मतभेद में विवाद सुलझाने के लिए 5 सिद्धांत अपनाए, जिसमें से पहला था एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्रों का प्रयोग न करें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे से सहयोग की भावना रखें, एक दूसरे से सद्भाव बढ़ाने का प्रयत्न करें, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो फ्रेंड्स, बार बार सुनते हो आप पंचशीलता का सिद्धांत, तो भारत हर किसी से संबंध बनाता है तो ये 5 जो सिद्धांत है वो अपनाता है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा देना, मैं पेपर सॉल्व करके डालता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।